ओवरव्यू ले लिया हमने मनी एंड बैंकिंग में, हम क्या पढ़ने वाले हैं, किससे स्टार्ट करेंगे हम, मनी। मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम। तो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम हमें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अगर हम बार्टर सिस्टम में होते, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, तो आपको मनी तो एग्जिस्ट नहीं करती, आपको बदले में मुझे कोई मुझे मिल्क दे रहा है, कोई मुझे क्लोथ्स दे रहा है, कोई मुझे खाने पीने का सामान दे रहा है। बार्टर सिस्टम में इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स और सर्विसेस। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेस इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, भव्या हो बेटा, ठीक यस है, आपने मैं आप क्या बनाना चाहोगे, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप? सर, बी लाउड एंड क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। फर्नीचर। फर्नीचर, चलो ठीक है, आप फर्नीचर बनाते हो, मान लेते हैं बनाते हो, ठीक है। मैं वीट बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं वीट बनाता हूँ। तो आप आए मेरे पास कि वीट चाहिए 10 kgs, तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए शूज, मुझे चाहिए शूज, हैं आपके पास? नहीं आपके पास नहीं है, तो क्या आपको वीट मिलेगा? सर, नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन तब एग्जीक्यूट होगी, आपके पास जो है वो मुझे चाहिए हो और मेरे पास जो है वो आपके आपको चाहिए हो, तब जाके वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने कहा नहीं, मेरे को तो शूज मिलेंगे तो मैं वीट दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो अब आप क्या करोगे? तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगी जिसको फर्नीचर चाहिए और बदले में मुझे शूज दे सके। हाँ वेरी गुड, पहले तो आप ऐसे किसी इंसान को ढूंढोगे जो शूज बेच रहा हो, यस और नो, वो ज्यादा सर, आसान होगा ढूंढना। यस सर, आप डायरेक्टली ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो कि जो फर्नीचर, जो शूज बेचता हो और उसको फर्नीचर चाहिए, वो तो बाद में, पहले तो आप ये देखोगे ना, अच्छा शूज कौन कौन बेचता है, फिर आप उनके पास जाओगे कि भाई साहब जूते दे दो, फर्नीचर ले लो। जब तक आप शूज नहीं मिलेंगे तब तक आपको वीट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। एक होता है कि आपको वीट चाहिए चाहिए, मेरे यस सर, पास है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपको वीट चाहिए मेरे पास वीट है, मेरे को शूज चाहिए आपके पास शूज है, तो वो होता है व्हाट अ डबल कोइंसिडेंस। तो वो होना तो चमत्कार से कम नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ फार्मर गिव्स वीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न, इट इज नोन एज अ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम कैन वर्क वेयर देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये बहुत ही की टर्म है बार्टर सिस्टम की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स रेफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इन द अबव एग्जाम्पल, वॉन्ट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर कोइंसाइड्स विद द वॉन्ट ऑफ वीवर फॉर वीट। हाउएवर, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन रियल वर्ल्ड टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इट लीड्स टू ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट, आपको टाइम लगेगा, आप ढूंढ रहे हो कोई जूते वाला और फिर उनके साथ नेगोशिएट करना, इट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग कॉस्ट। विद राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्सचेंज थ्रू बार्टर बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। कुछ भी आगे पढ़ने से पहले हमें ये चीजें समझ आनी चाहिए, व्हाट वर द लिमिटेशंस। किसी चीज की कोई लिमिटेशंस होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ही कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? नंबर वन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स।
barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other's goods. आपको वीट चाहिए, मुझे शूज चाहिए. आप शूज वाले हो तो भैया बहुत जल्दी हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी. नहीं हो तो जाओ पहले जूते लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स. हाउएवर सच डबल कोइंसिडेंस इज वेरी रेयर. सेकेंड लिमिटेशन, लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अब आपने बोला वीट चाहिए 10 kgs, तो मैं बोला अच्छा वन पेयर शूज ले आओ, मैं आपको 10 kgs वीट दे दूंगा. ओके, अब मेरे पास शूज आ गए तो बार बार मुझे शूज तो नहीं चाहिए होंगे, अब मुझे चाहिए मिल्क. मैंने कहा अच्छा 10 kgs वीट तो 50 liters मिल्क लगेगा, या 10 liters और 20 liters, वट एवर द प्राइस में भी. बट पॉइंट इज, मुझे अपने वीट को कितने कमोडिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. हर्षदा, हर्षदा यस सर, सॉरी सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट. मैं वीट बेचता हूं तो वीट की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, इन टर्म्स ऑफ शूज और रुपीज? सर शूज, सब शूज बेचते हैं, शूज इज द कॉमन डिनोमिनेटर. शूज कॉमन डिनोमिनेटर है क्या सब? हर एक अपनी वैल्यू शूज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते होंगे. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यस, मैं शूज के टर्म्स में बात करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनरली मैं अपने वीट की वैल्यू कैसे डिसाइड करता हूँ. सर रुपीज, रुपीज मनी हैज नॉट येट बीन इंट्रोड्यूस्ड. सर शूज के टर्म में, शूज के टर्म में, या फिर जितने टाइप के कमोडिटीज आएंगी उतने टाइप के कमोडिटीज के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा. यस सर. तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, बिकॉज देर वॉज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कोई मिल्क लेके आ रहा है तो मुझे मिल्क के टर्म्स में बताना है, कोई क्लॉथ लेके आ रहा है मुझे कपड़ों के टर्म्स में बताना है, कोई गोल्ड लेके आ रहा है तो मुझे गोल्ड के टर्म्स में बताना है. इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन विच एक्सचेंज रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस. लैपटॉप 50,000 rupees, 70,000 rupees, 30,000 rupees, वाटर बॉटल 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, मोबाइल फोन 10,000, 1 lakh, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दे कैन बी कंपेयर्ड. बट बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज वीट एंड बी हैज राइस, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच वीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस. वो तो सिचुएशन पे होता होगा ना कि किसकी ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश होती होगी. यस और नो? यस सर. इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली इन विच वन पार्टी जनरली सफर्स. किसी का किसी का तो नुकसान होता ही है, दोनों का फायदा होना मुश्किल है. बट आपको सिर्फ एक नहीं अनलिमिटेड चीजों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ता था, बिकॉज देर वॉज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. तो उससे एक्सचेंज रेशियो फिक्स भी नहीं होता था और नुकसान होता था किसी ना किसी का, किसी का फायदा किसी का नुकसान. फायदा उसका जो डोमिनेटिंग सिचुएशन में है. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट तो हो ही नहीं पाती थी. डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स. मैंने कार लोन लिया 5 years का, तो पेमेंट 5 साल तक चलती रहेगी. यस और नो? यस सर. तो फ्यूचर पेमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं. मैंने घर लिया, बड़ी पेमेंट थी, 10 years का लोन, 15 years का लोन, तो फ्यूचर पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स. कोई आपने बड़ी ट्रांजैक्शन करी है जिसमें पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, अभी तो मनी है, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो.
फ्यूचर पेमेंट्स कैलकुलेट हो सकती हैं, बट जब मनी था ही नहीं तो आज जो रेट डिसाइड हुआ, चलो मैं वीट लेता हूँ आप राइस लेते हो, मैं लैंड आपको सेल कर रहा हूँ आप मुझे राइस देते हो, तो राइस का जो रेट आज है क्या एक साल के बाद भी वही होगा? नॉट नेसेसरी, बढ़ सकता है कम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मेरी डिमांड, मेरा कंजम्पशन पैटर्न जो आज है क्या वही होगा एक साल के बाद भी? कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं, प्राइसेस उनके चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज रेशियोज चेंज हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अंडर द बार्टर सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैनॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अब कह रहे इतना लंबा था, आप हर बारी सेम क्वालिटी कहां से लाऊं मैं? देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। एक साल के बाद मैंने कहा नहीं अब मुझे ये नहीं ये चाहिए, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स। द कमोडिटी टू बी रीपेड मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। लॉन्ग टर्म है तो उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। So it is very difficult to make deferred payments in the form of goods. So lack of standard of deferred payment. Last limitation, lack of store of value. आपको पैसे संभाल के रखने हैं, आपको पैसे सेव करने हैं, तो आज की डेट में आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दो, हो गया सेव। कैश गड्ढे खोदो, कैश डाल दो, हो गया सेव। अलमारी में छुपा दो, गद्दों में छुपा दो, कुछ भी है, बट पैसा स्टोर किया जा सकता है, yes or no? Yes, sir. Yes. पहले तो कमोडिटीज होती थी, और अगर आपकी कमोडिटीज पेरिशेबल नेचर की हैं तो क्या स्टोर कर सकते हो? No, sir. नहीं कर सकते। और पेरिशेबल नेचर नहीं भी है तो ओवर द टाइम वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है। तो बार्टर सिस्टम में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, पेरिशेबल नेचर के थे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, देयर क्वालिटी डिटीरियरेट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट्स। तो आपको अगर सामान है, सामान की स्टोरेज, तो बेटा जगह चाहिए, टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर अर्निंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। विद सो मेनी डिफिकल्टीज barter exchange could not continue for a long time. As a result, it was replaced by monetary exchange, that is buying and selling of goods with the help of money. So money was introduced to overcome all these limitations of the barter system.